डिसीजन है कि सदस्यता शुल्क के बारे में थोड़ा हम लोग का आपसी विचार था, उस पर आज हम लोग का मुख्य करने के लिए बहुत सारे लोग प्रॉब्लम कुछ बता रहे थे, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जैसा आपने बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताया जाए। धान की अधिप्राप्ति तो समय है, अभी 15 फरवरी तक अधिप्राप्ति करना है, सभी लोगों को सीसी 60% दे दिया गया है, सभी लोग अधिप्राप्ति जैसे है वो अपना करेंगे। किसान के हित संदर्भ में क्या कुछ चर्चा किया गया था? किसानों के हित के लिए आने वाले समय में बाढ़ अनुमंडल में खासकर इस बेल्टों में धान जैसे अभी खरीदारी हो रही है, भविष्य में इनका दाल लेने का भी योजना हम लोग बनाए हैं, जो किसानों से दाल अधिप्राप्ति करेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, थैंक यू। हम लोग के पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक आम विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा के माध्यम से बैंक किसी भी नीति का निर्णय लेती है। आज हम लोग यहाँ हमारे कोऑपरेटिव बैंक के पटना के चेयरमैन आदरणीय रितेश जी आए हैं और विशेष आम सभा की आयोजन की गई, सफल आयोजन की गई, शांतिपूर्वक आम सभा चला और कई एक विषयों पर यहाँ नीतिगत निर्णय लिया गया। जैसे पहले हम लोग 1 रुपया का सदस्य बनाते थे, वो फीस 1 रुपये की जगह पर 10 रुपया हो गया। हम लोग का पहले 11 रुपया सदस्यता शुल्क पता था, उसके जगह पर अब 100 रुपया सदस्यता शुल्क हो गया। इस तरह के वित्तीय में भी है कि हम मान लीजिए कि अभी 400 कुछ करोड़ का हमारा बैंक था, अब हमारा लक्ष्य है कि इसको आगे बढ़ाते हुए इस साल कम से कम 1000 करोड़ का बैंक हो। इस तरह से कई एक निर्णय पर आज निर्णय लिया गया इस आम सभा के द्वारा, और ये सभी निर्णयों को हम लोग अपने पैक्स के माध्यम से भी आम सभा करके और सभी पैक्स के सदस्यों से राय लेके और इसको संतुष्टि करें। सर, पैक्स सदस्य जैसे आपने बताया सदस्य बनने का 1 रुपया से 10 रुपया कर दिया, तो उसका पात्रता क्या है सर? पात्रता वो किसान होना चाहिए पैक्स के सदस्य। पैक्स का मतलब होता है प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लिमिटेड। यस, ये कृषि से जुड़ा हुआ संस्थान है। ये जो किसान सिर्फ जिनके पास खेती है वो किसान नहीं होते हैं, खेती करने वाले लोग भी किसान कहा जाते हैं। तो वैसे लोग जो खेती करते हैं, जिनको खेती करने में रुचि है, उनको ये सब लाभ मिलेगा। क्या परिचय हुआ सर? हम फतेहपुर पैक्स का अध्यक्ष हुए, प्रखंड बेंच। थैंक यू।